ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलने पर लोगों ने जताई खुशी, हवन पूजन कर प्रसाद का किया वितरण। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव चंद्र यादव के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के मियां बाजार स्थित कैंप कार्यालय पर ग्राम प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष व बूथ अध्यक्षों के साथ की गई बैठक, पार्टी को मजबूत बनाने पर की गई चर्चा। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर लगातार अभियान चलाकर जमीन खरीद फरोख्त करने के जरिए धोखाधड़ी करने वालों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पीड़ितों के प्रार्थना पत्र पर भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की जा रही है कुर्की की कार्रवाई। माँ तरकुलहा देवी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राज नारायण सिंह के नेतृत्व में ट्रस्ट के पदाधिकारी ने एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव से मिलकर सौंपा ज्ञापन। मंदिर की नाली क्षतिग्रस्त कर उक्त जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शहर के अंदर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई रिक्शा चलाने वाले चालकों के विरुद्ध चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान के दौरान 17 ई रिक्शा चालकों के विरुद्ध परिवहन अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 3 दिवसीय दिव्य कला एवं कौशल प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कौशल कला में माहिर दिव्यांगजनों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, दिव्यांगजनों के हित में लगातार कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राम मंदिर पर कहा कि राम मंदिर केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि है ऐतिहासिक स्थल। राम मंदिर से बढ़ेगा उत्तर प्रदेश का जीडीपी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने लिया क्रूज का आनंद। कहा, प्रदेश सरकार भारत के सोच के अनुसार कर रही है कार्य, लोगों को उपलब्ध करवा रही है तरह तरह की सुविधा।